मुतला जी, अगला सवाल आपसे ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी डील्स होते हुए दिखाई दी। एक बड़ा एग्जांपल है एक्सिस एनाम का डील। इस स्पेस में क्या आपको लगता है ग्रोथ काफी है, और क्या आप भी कोई एक्विजिशन का रूट अपना सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस एक काफ़ी डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हो रही है, जिस हिसाब से हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया वैसे भी हम लोग को कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, तो कैपिटलाइजिंग काफ़ी होने वाला है। सो ये बिज़नेस डेफिनेटली पीपल इंटेंसिव बिजनेस है, और जैसा आपने बताया कि एनाम और एक्सिस का जो डील हुआ है, मुझे लगता है कि एक्सिस एज ए बैंक, आई थिंक दे रियली वांटेड टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकिंग बिजनेसेस, और ऑर्गेनिक ग्रोथ में काफ़ी एक अपने हिसाब से टाइम लगता है, तो डेफिनेटली एक दोनों के लिए एक अच्छा अच्छा विन विन डील है। एनाम का एक बहुत अच्छा फ्रेंचाइज था और एक्सिस बैंक का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड डील फॉर बोथ द पार्टीज। आपने जैसे हमारे यहाँ सवाल किया कि आप भी ऐसा कोई ऑप्शन देख रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। हम लोग वी आर यंग कंपनी, आई थिंक एंटरप्रेन्योर ड्रिवन कंपनी। आई थिंक हमारे जितने भी सीईओज है, दे रियली आई थिंक ड्राइव द बिजनेस लाइक एन एंटरप्रेन्योर, और मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ऑल सब बिजनेसेस की, उसके हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। और जैसे हमने आपने बताया कि पिछले 4 साल में ऑलरेडी 80 डील के करीब ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, और पाइपलाइन की काफ़ी अच्छा है। सो ये बिजनेस मुझे लगता है कि काफ़ी फ्यूचर में भी अच्छी स्पीड से ग्रो होगा। अगर आपके रिटेल कारोबार के बारे में बात करें, करीब यहाँ पर आपके पास 1600 बिजनेस लोकेशंस पर आप मौजूद हैं, किस तरह का ग्रोथ प्लान है, किस तरह से आप अपना नेटवर्क और बढ़ाएंगे? देखिए, रिटेल बिजनेस आउटलेट बहुत हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे रिटेल का पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम है। मुश्किल से 1 करोड़ से करीब 1 करोड़ के आजूबाजू सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, और इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से सेविंग रेट्स बढ़ रही हैं, आपने देखा होगा कि हमारा $1.3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, करीब 35% का सेविंग्स रेट है, और ये $1.3 ट्रिलियन करीब हो जाएगा $5 ट्रिलियन बाई 2020, और सेविंग्स रेट अगर इस हिसाब से बढ़ते हैं तो काफ़ी पैसा मार्केट में आएगा। सो हमारी एक कोशिश रही कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स में पहुंच सके, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को एक अच्छी सर्विस, एक रिसर्च बेस्ड सर्विस और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे सकें, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी एक ग्रोथ की उम्मीद है। वैसे पिछले 4 से 5 साल में बहुत ज़्यादा रिटेल मार्केट में नए इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप, अगर मैं आपके बारे में कुछ नंबर की बात करूं, जैसे हमारी कंपनी ने करीब पिछले 5 साल में ओवरऑल कंपनी ने करीब प्रॉफिट लेवल पे 43% का ग्रोथ किया ईयर आफ्टर ईयर। सो CAGR ग्रोथ इज अबाउट 43% फॉर अस फॉर लास्ट 5 ईयर्स। सो मुझे लगता है कि आई थिंक आने वाले समय में भी इंडियन इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी मार्केट एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया बनेगा। पिछले 10 साल में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर ने इवन इंडेक्स ने करीब 17 से 18% का रिटर्न दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है कंपेयर टू इक्विटी, एंड डेफिनेटली इक्विटी कल्ट है, इक्विटी मार्केट अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी से फर्दर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन में पुश हो रहा है। सो आई एम श्योर देयर विल बी आई थिंक लॉट ऑफ ग्रोथ इवन इन दिस बिजनेस। जी मोतीलाल जी, आप भी हैं हमारे साथ और काफी सारे कॉर्पोरेट से आप भी बातचीत करते हैं, क्या व्यू है आपका? वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जिस तरह का व्यू लेकर भारत आए हैं? देखिए, एक अच्छा नोबल कॉज है, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि भाई वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉज है। हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की थी गए साल में, जो हमने एक अपना फाउंडेशन बनाया है, जिसमें करीब 1% ऑफ आवर प्रॉफिट टू बिगिन विथ वी हैव डिसाइडेड टू पुट फॉर आई थिंक द सोशल कॉजेज, एंड आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी शुरुआत के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट लेवल पे करेंगे, हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे तो हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मोतीलाल जी, वापस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ रुख करते हैं।
अगर जो आपके निवेशक है उनका सबसे बड़ा इस वक्त दिमाग में यही बात होती है कि किस तरह की ग्रोथ MOFSL आगे दिखाएगा, किस तरह से यहाँ पर उनका रिटर्न बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्या प्लान है आपका आगे यहाँ से? देखिए, जैसे हमने बताया कि करीब हमारे 7 बिजनेस वर्टिकल्स हैं और हर बिजनेस की अलग अलग ग्रोथ रहती है। सो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हर वर्टिकल, हर बिजनेस हेड को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि रिटेल में हमारा फोकस है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जोड़ सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल सकें। मुझे नहीं लगता है कि ये 1700 सेंटर या 600 सिटीज बहुत कुछ होती है। हमको लगता है कि हमारा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा कि हम लोग ये 1700 सेंटर से कैसे 5000 एक आउटलेट की तरफ बढ़ा जा सके अगले 3 से 4 साल में। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में डेफिनेटली एक इंडिया अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है डेस्टिनेशन, और लास्ट ईयर तो बहुत पैसा आया था, ये साल इतना पैसा अभी तक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है और जिस हिसाब से बाजार में नीचे लेवल पर सपोर्ट आता है, सो मुझे लगता है कि FIIs का पैसा बहुत आएगा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज का भी काफ़ी पैसा मार्केट में आ रहा है। तो ये दूसरा सेक्टर है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कैसे हम एक मार्केट शेयर यहाँ से और ग्रो कर सकें।